देखो 2021 में भी बहुत अच्छा सवाल पूछा गया था आपको, ई की डायमेंशन यानी एनर्जी की। मैंने आपसे कहा था याद कर लेना, एफ इंटू डी होता है। कोई भी जो वर्क डन है वो एनर्जी ही एक प्रकार की एनर्जी होगी, तो वर्क डन करोगे एफ इंटू डी। और हमने बताया था गुरु फोर्स की होती एम एल टी माइनस टू, एम ए राइट। और आपका जो डी है वो लेंथ है, जब करेंगे तो ई हो जाएगा। तो एनर्जी किसी भी फॉर्म की हो, चाहे थर्मल हो, चाहे ऑप्टिकल हो, चाहे जैसी भी एनर्जी हो, साउंड एनर्जी हो, उसकी डायमेंशन एक ही होगी, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, जो कि आप वर्क डन यानी एफ इंटू डी से निकाल के याद कर चुके हैं। जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो आप और देख लीजिए, आप जानते हैं न्यूटन बाबा की जय हो, M1 M2 ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर से। जी निकालना है तो जी कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको एम का स्क्वायर कर ले बेटा, बड़े आराम से निकल आया। फोर्थ की हमने कहा था बेटा याद कर लो, मास इनटू एक्सेलेरेशन, लेंथ होती है आर, और ये हो गया एम स्क्वायर। इस जी याद कर लीजिएगा, बहुत जगह यूज हो रहा है। इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर -1 बचेगा, तो एम माइनस वन एल की क्यूब और टी की माइनस टू। निकालना क्या है बेटा आपको, ई अपॉन जी की डायमेंशन। तो चलिए एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, जी आप इधर से ले आए, एल की क्यूब एम ए राइट और टी की माइनस टू, तो ये और ये कैंसिल हो गए, बड़ा अच्छा लगा हमको। यहां से भी कैंसिल हो गया, ये चला गया तो एम एक और गया, एक पहले से था, प्लस स्क्वायर हो गया कटा, तो एल की -1 और टी की कुछ नहीं बची, 0 है कोई, एम स्क्वायर एल की -1 और टी की 0, यानी फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन।